ये उनके लिए वीडियो है खास, जो ध्यान मार्ग के साधक हैं और जो कुंडली शक्ति के विषय में जानना चाहते हैं। तो क्या होता है मूलाधार चक्र, सुदर्शन चक्र, मणिपूरक चक्र, है ना, हृदय चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और अपना सहस्त्र चक्र। तो हमारे जो चक्रों का जो बताया है वो तो आजकल किताबों में भी बहुत लिखा हुआ है, लेकिन किताब में पढ़ना और एक वास्तविक अनुभव करना वो एक अलग चीज है। क्योंकि जो है साधना लोग करते हैं, कुंडली शक्ति हम जागृत कर देंगे, आप कई जगह चले जाओ कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो इस विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कुंडली शक्ति कोई जागृत नहीं कर सकता है। जागृत करने का मतलब है, अगर कोई बोलता है कि मैं पैसे दे दो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख दूंगा कि ऐसे जागृत कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये असंभव है। कुंडली शक्ति जागृत होता है पूर्ण जन्म से, इस बात को आप एक गांठ बांध के रख लो। पूर्ण जन्म में अगर आप भगवान की भक्ति में इस मार्ग में लगे हैं तो आपका कुंडली शक्ति जागृत होगा, वो भी आपको सदगुरु मिल जाएंगे, तब सदगुरु की कृपा से कुंडली शक्ति जागृत होगा। बाकी आप कितना पूरा जीवन लगड़ देंगे आपका कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगा। उसका कारण है आपने पिछले जन्म में, अब आप जन्म तो मिलते हैं, अब आपके जन्म में क्या चाहते हैं, है ना, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या साधना के माध्यम से कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या साधना के माध्यम से कि हमारा घर वैभव हम पे इतना वो हो जाए वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको फल मिलता है पूर्ण जन्म की साधना से। अगर आप केवल परमात्मा, जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि जो अर्जुन को कहा कि तू योगी बनने को क्यों, तब से ऊंचा, है ना, शास्त्र ज्ञानी से ऊंचा तपोनिधि होता है, तप करता है, तब से ऊंचा योगी को बताया है। शास्त्र ज्ञानी मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान, जिसने सारे शास्त्र पढ़े हैं, रटे हैं, बचपन से ही सारा अध्ययन किया है, तो उनको शास्त्र के द्वारा भगवान का अनुभव हो जाता है कि भगवान इस तरीके से है। तप के द्वारा भी भगवान का अनुभूति हो जाती है। योगी के लिए क्यों कहा गया है, योगी के लिए इसलिए कहा गया कि योग जो है, योग बोले तो शक्ति, हमारे अंदर की शक्ति, वो बिना पढ़ा लिखा, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड चलाने वाला कौन है, परमात्मा। इसमें शक्ति मेन है, ये शक्ति चला रही है, परमात्मा केवल एक सहयोग, जैसे एक सहयोग है शिव और शक्ति, शिव जैसे बोलते हैं ना, शिव में अगर शक्ति नहीं होगी तो कहते हैं शव है, तो इसी तरीके से ये पूरे ब्रह्मांड को शक्ति चलाती है। तो इसीलिए हमको कुंडली शक्ति क्या चीज है, कुंडली शक्ति ही वही चीज है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचाता कौन है, हमारा शक्ति, हमारे अंदर जब तक शक्ति है तो हमारा शरीर ये चल रहा है, उठ रहा बैठ रहा, शक्ति निकल जाती है तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या सावधानी रखनी है, एक तो किसी ने पूछा भी था कि शक्तिपात के बारे में, तो शक्तिपात क्या होता है, शक्तिपात जो होता है, जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, गुरु का दर्शन, जो सदगुरु होते हैं उनका दर्शन हमको आज्ञा चक्र में हो जाए तो उसको शक्तिपात बोलते हैं। दो तरीके से शक्तिपात होता है, एक तो हमारे मूलाधार चक्र में अगर कोई वाइब्रेशन या कुछ होता है ना, तो उसको शक्तिपात बोलते हैं। और एक हमारे सबसे बड़ी शक्तिपात वही है, गुरु का दर्शन अगर हमको आज्ञा चक्र में हो जाता है, वो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है अंदर से, आज्ञा चक्र से, तो उसको शक्तिपात कहा जाता है। मतलब दृष्टि पड़ना मतलब गुरु ने अपनी शक्ति आपको दे दी, इसको बोलते हैं शक्तिपात। तो बिना शक्तिपात के कुंडली शक्ति जागृत होना या उसकी अनुभूति होना असंभव है। तो पहले ही है, तो आपके वही है, पिछले जन्म में आपने बहुत साधना किया है, बहुत साधना करते करते आप फिर भी रह गए, फिर आपको वो जन्म मिलता है, फिर सदगुरु की कृपा से वो मुकाम तक आप पहुंचते हैं, सदगुरु मिलते हैं, फिर आप वो साधना करते हैं। क्या होता है, अगर आप इसके साधक हैं तो आपको क्या करना चाहिए,
प्रथम यह है कि आपके साथ कई शुरू शुरू में कई पहले वीडियो में बताया था हमने, शुरू शुरू में कई घटनाएं होती हैं। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में आपको सूर्य नारायण का दर्शन होगा एक झलक, ये सारे शुरू शुरू के स्टेप बता देते हैं आपको। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको सूर्य नारायण का दर्शन होगा, दर्शन होके चला जाएगा। जैसे ध्यान कर रहे हैं आप, सुबह 4 बजे बैठते हैं तो 6 बजे तक सूर्य उदय का समय होगा, तो उदय का समय हो रहा है, उदय हुए नहीं है लेकिन उदय का समय हो गया, तो आपको एकदम झलक दिखेगा कि सूर्य नारायण का दर्शन हुआ और वो चले गए। फिर चंद्रमा का दर्शन होता है, कभी आपको तारे का इस तरीके से तारे जैसे कि दिखेंगे, जैसे आकाश में तारे दिखते हैं वो तारों का दर्शन होता है। फिर आपका जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा, साधना बढ़ती जाएगी, तो आपको दृश्य दिखना चालू हो जाएंगे, जैसे हिमालय के दृश्य है ना, हिमालय के दृश्य दिखेंगे, कभी आपको पहाड़ी दिखेंगी, कभी आपको झरने दिखेंगे, कभी नदियां दिखेंगे, कभी मंदिर दिखेंगे। ध्यान में आपको ये अवस्था, कुंडली शक्ति आपकी जागृत नहीं हुआ है लेकिन उस मार्ग में आप लग गए हैं, आपको ये चीजें होने लग जाए तो आप समझ लो आपका मार्ग सही चल रहा है। फिर उसके बाद शक्तिपात का तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप साधना पे बैठते हैं शुरुआत में क्या होता है, जब आपके अंदर शक्ति प्रवेश करना शुरू करेगी, या आप साधना है तो आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, ये भी ध्यान करने की मुद्रा है, कहीं जिसको जैसा लगे ऐसे भी बैठते हैं, कुछ लोग पद्मासन में भी बैठते हैं है ना, हम तो ज्यादातर इस तरीके से बैठते हैं। इस तरीके से आपने शिव भगवान की फोटो भी देखा होगा, कई कई में शिव भगवान इस तरीके से बैठे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप शुरू में साधना कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट सकती है, जैसे कि आप बैठे हैं तो आपका शरीर, आप साधना में बैठे हैं मंत्र का जाप कर रहे हैं 1000, मतलब जैसे आप एक दिन में 21,600 सांसें लेते हैं, तो जो साधना करने वाला है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि संत महात्माओं की उम्र कैसे बढ़ जाती है, अब उम्र बढ़ने का हम बता देते हैं, वो तो हमने अनुभूति किया है सब चीज़ों का, तो इसलिए अनुभूतियाँ भी हैं और एक अपना अनुमान भी रहता है, क्योंकि जैसे कि 21,600 24 घंटे में व्यक्ति सांस लेता है। तो जब आप साधना करते हैं तो क्या होता है, साधना में सांस की गति धीमी हो जाती है। जैसे आप साधना कर रहे हैं, जैसे आम व्यक्ति क्या पूरी सांस लेता है ठीक है, लेकिन जैसे एक ने पूछा था कि सांस कितने बार लेना चाहिए छोड़ना चाहिए, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। जो कई लोग सिखाने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जब भगवान की कृपा होती है तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप भगवान पे समर्पण होके, भगवान ने गीता में कहा ना कि अर्जुन मेरे समर्पण हो जाए उसके बाद तेरा योगक्षेम मैं कर दूंगा, तो योगक्षेम भगवान कृष्ण भगवान ही कर देते हैं, समर्पण होना है बस आपको। आपको किसी के पास वो योगा सिखाते हैं या वो ऐसा करते हैं, ये अष्टांग योग, आपको अष्टांग योग में जाने की जरूरत ही नहीं है, अष्टांग योग करते रहोगे सारी जिंदगी और कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा बात अलग है, लेकिन गुरु की कृपा और भगवान की शरणागति है ना, ये दो चीज अगर जीवन में हो जाए तो ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अष्टांग योग करने को कर सकते हैं, अगर किसी को आता है तो कर सकते हैं, उसमें वो भी नहीं है, क्योंकि इस बात को भी नहीं काट सकते, जिनको अगर आता है तो वो कर सकते हैं, तो उसमें आपको साधना में लाभ मिलेगा। लेकिन जो समर्पण है, अब जैसे हम लोग समर्पण थे और भी साधक होते हैं, जो समर्पण है भगवान तेरे को मैं समर्पण हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन गुरु जरूरी है, इस मार्ग के गुरु नहीं होंगे तो भगवान को भी, आप बहुत ज्यादा भक्ति कर लिए तो भगवान को भी एक बार आना पड़ेगा कि इनको गुरु का मार्ग बता, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको गुरु मिला देंगे। तो हम 21,600 जो सांसें लेते हैं, तो हम जब साधना करते हैं, जैसे मान लो हमने 10 साल साधना किया ठीक है, तो व्यक्ति आम व्यक्ति क्या है, तेजी तेजी से सांस लेता है, लेकिन जब वो ध्यान करता है तो उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है सांस की गति। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि साधक को साधना कर रहा है, उसकी सांस वो अटक भी जाता है, सांस उसकी, उसको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब क्या है वो अटक जाता है, ऐसा लगता है यार मेरी सांस ही नहीं आ रहा है, अरे मेरे को तो ऑक्सीजन, मतलब सांस की, मतलब बिल्कुल ही मेरी सांस रुक गई है। कुछ लोग समाधि की स्थिति में भी जाते हैं ना, तो वो सांस की गति ही रुक जाती है और वो समाधि में जाता है। तो 10 साल आपने साधना किया, मान लो आपने 21,600 ली, लेकिन आपने 4 घंटे सांस की गति बहुत धीमी, 4 घंटे मान लो आपने सांस की
गति को धीमा करा और कहीं कहीं रुकी, वो आपकी आयु बढ़ गई। और 4 घंटे में से भी आप मान लो चलो 2 घंटे आपकी दिन भर में सांस की गति 4 घंटे का बताना, उसका और कम कर दो, 2 घंटे भी अगर आपने सांस की गति 14 घंटे 12 घंटे ध्यान में बैठे और आपकी 2 घंटे भी सांस की गति धीमी हुई है, रुकी है, उसका अनुमान सब लगा के 2 घंटे आपने अपनी सांस की गति को बढ़ा दिया। सांस पे जीवन निर्भर है। 2 घंटे की आयु आपकी बढ़ गई। ये आयु बढ़ने का हम आपको बता देते हैं, कोई जल्दी बताता नहीं है। 2 घंटे आपने 10 साल किया तो 10 साल में आप लगा लो, जोड़ लो इसका, अब जोड़ लो 2 घंटे के हिसाब से आप कितनी आयु बढ़ गई। केवल एक अनुमान से बताना है, 2 घंटा साधना करोगे तो इससे ज्यादा भी प्रत्येक दिन 2 घंटे की आयु प्रत्येक दिन तो 10 साल का लगा लो, ऐसा 15 साल का लगा लो, 20 साल कंटिन्यू कर रहे तो ये आयु आपकी बढ़ती है। इससे ये आयु बढ़े, जो कई संत महात्मा होते हैं उनकी आयु कहते हैं ना यार, उस महात्मा की इतनी आयु कैसे बढ़ गई, इतने महात्मा लोग इतना साल के जीवित, तो सांस की गति धीमी होती है, धीमी करते करते सांस की गति रोको तो आयु बढ़ती है। तो इसका यही है तरीका, समझ गए आप। फिर ये तो सांस के ऊपर हो गया, और दूसरा शक्तिपात का बताया था, उसी तरीके से शक्तिपात जो होता है उसी तरीके से शक्तिपात होगा, अन्यथा शक्तिपात के बिना कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगी और आपको कुंडली शक्ति का कोई अनुभूतियां नहीं होंगी, है ना। अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अगर आप में बहुत ही तीव्र भक्ति, जिसे तीव्र भक्ति बोलते हैं, तीव्र भक्ति है तो कुछ कुछ घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी इस मामले में होती रहेंगी, लेकिन आप जो है फिर भी बिना सदगुरु के कृपा से वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप जैसे साधना कर रहे हैं तो आप शुरू में क्या होगा, आपका शरीर कभी कभी आपको महसूस होगा यार मेरा शरीर अपने आप ऊपर नीचे इस तरीके से, जैसे मान लो ऐसे है, इस तरीके से हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है आपको महसूस होगा। और कभी कभी जैसे आप बैठे हैं तो कभी कभी आपका हाथ भी पता है ऐसे झटक जाएगा। अच्छा, जैसे ये हाथ है आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक ध्यान करते हैं जो 10 घंटे 12 घंटे, उनके साथ कभी कभी ऐसा लगेगा ये फड़क रहा है, ऐसे हो जाएगा, है ना, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हाथ झटक के ऐसे जाएगा फिर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो कभी ये हिस्सा फड़केगा कभी वो, तो इस तरीके से ये अगर आपका साधना में सीधा हिस्सा फड़कता है तो वो बहुत ही, कभी बाई आंख फड़केगी तो बहुत दब, ये हिस्सा फड़कता है ना शुभ माना जाता है, तो आपकी साधना अच्छी चल रही है ना। कभी आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका शरीर ऐसा लगेगा जैसे कि मान लो पत्थर की तरह हो गया हो, ऐसा लग रहा है कि आपको ऊपर से कोई दबा रहा है और आप पत्थर की तरह, बहुत ही ज्यादा आपको बैठने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। और कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर बहुत हल्का है, क्योंकि हमारे में 5 तत्व है ना, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी तत्व, है ना, 5 तत्व है ना, वायु। तो जब हमारा वायु में शरीर होता है, पहले क्या होता है कुंडली शक्ति में 5 तत्व जो होता है ना बराबर होते हैं, बराबर बोले तो ध्यान में हमको, जैसे हम ध्यान में बैठे हैं तो यही चीज यही क्रिया होती है, ध्यान में हम जब बैठे हैं तो आपको अग्नि अग्नि दिखाई देगी, आपको ध्यान में केवल अग्नि अग्नि दिखाई देगी, आप कहोगे यार ये अग्नि का समुन्द्र की तरह कैसे दिख रहा है, कभी आपको जली जल ध्यान में दिखेगा, जली जल दिखे यार जली जल दिख रहा है, कभी ध्यान में आपको जो है ना, जैसे कि शरीर हमने बताया भारी एकदम है ऊपर से कोई भारीपन, और कभी शरीर आपका ऐसा लगेगा बिल्कुल यार हल्का है, ऐसा लगेगा ध्यान में बैठे हो लेकिन आपको लगेगा शरीर उड़ रहा है लेकिन उड़ता नहीं है, आपको लगेगा महसूस, आप गंगा किनारे बैठे हैं कहीं बैठे हो तो आपको लगेगा, या किसी चट्टान पे बैठे हो तो आपको लगेगा यार गिर ना जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ये 5 जो होती हैं, है ना, ये 5 तत्व बराबर होते हैं, तो इस तरीके से आपको ध्यान में ये चीजें दिख सकती हैं, ये शुरू के साधकों का ये लक्षण होते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आपको मूलाधार चक्र में आपको 3 नाड़ियां जुड़ी रहती हैं जो यहां तक रहती हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लो ये मूलाधार पीड़ा पिघला और सुषुम्ना, ये बीच में सुषुम्ना, ये सदगुरु की कृपा से, कभी कभी सदगुरु की कृपा हो तो यही कुंडली शक्ति मेन है, तो मेन ये है। और एक चीज और है, हाँ याद आ गया, जैसे कि सांप कहते हैं ना, सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो आपको बकायदा आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको फुसकार, जैसे सांप की फुसकार होती है ना, इस तरीके से आपको फुसकार की आवाज भी सुनाई देगी आपके कानों में, हाँ स्पष्ट। और इससे पहले, होने से पहले ना, आपको अनंतनाद कान, जैसे कान में एक अनंतनाद शब्द होता है वो आपको सुनाई देगा,
अनंतनाथ शब्द ज्यादातर बाई बाई में सुनाई देता है। दो नाड़ी चलती है ना, सूर्य और चंद्र नाड़ी, सीधे में सूर्य और उल्टे में चंद्र नाड़ी। तो क्या होता है कि शब्द जिसका योग शक्ति जागृत होने लग जाता है तो उसको कान में जिसको अनंतनाथ शब्द होता है ना, वो सुनाई देने लगता है अपने आप। वो जो जिनको सुनाई देता है उनको महसूस होता होगा। आप जितना एकांत में, जैसे एकांत जगह है तो जैसे एकांत में रात में जब बैठेंगे तो वो स्वयं आपको सुनाई देगा। वैसे तो क्रिया भी होती है, वो क्रिया सदगुरु बताते हैं, क्रिया भी होती है, अनंतनाथ की क्रिया है ना, ध्यान की क्रिया, फिर वो मंत्र की क्रिया, वो सब होती है वो गुरु की कृपा से। और हम तो गुरु बनते नहीं। हाँ, गुरु गुरु का चक्कर कुछ नहीं है, केवल हाँ जो लोग, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये था कि जो लोग साधक हैं इस मार्ग के, उनको सही दिशा मिल जाए। और शायद हमको लगता है ये वीडियो देखने के बाद किसी से ज्यादा पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपना साधना में लग जाना, शायद आपको बहुत लाभ होगा। आपको पूरा ही इसमें पूरा ही अनुभूति बता देंगे क्या क्या होता है। और इसको आप जब भी देखेंगे, कभी भी जरूरत हो तो आप इसको देख सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे मूलाधार चक्र में जब आपका शक्तिपात हो गया, उसके बाद आपको ये अनुभूतियां होने लग गया जो बताया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको तीन नाड़ी का जो बताया है ना, ईड़ा पिघला सुषुम्ना, ये सदगुरु की कृपा से जागृत होता है। तो ये नाड़ियां चलती हैं पीछे, ये तीनों, दो नाड़ियां चलती हैं ज्यादातर। शुरू शुरू में साधक रहता तो दो नाड़ियां उसकी, जैसे कि हम जब ये क्या बोलते हैं, हाथ में वो लगाते हैं ना, जैसे डॉक्टर वो लगाता है हमारा ब्लड प्रेशर देखने के लिए, तो उसके पास एक वो रहता है थर्मामीटर, क्या बोलते हैं उसको, वो एक रखा रहता है टेस्ट करने वाला, तो उसमें ऐसे करके चलता है, वो पारा चलता है ना। तो बस आपको पूरा स्पष्ट जो है, आपको ये ईड़ा पिघला नाड़ी चलती हुई दिखाई देंगी, उसी तरीके से जैसे वो पारा चलता है ना, स्पष्ट आपको दिखाई देंगी, जो इस मार्ग का साधक है उसको दिखाई देंगी, तो उसका साधना ठीक चल रहा है। तो वो जब चलती हैं ऊपर की तरफ चलती हैं, ठीक है। अच्छा, उनका चलने का उद्देश्य क्या है, जैसे कि बिजली का खंभा है ना, दो तार होते हैं बताते हैं ना, एक ठंडा एक गर्म, तो एक ठंडा एक गर्म होता है, तो वो उनका उद्देश्य त्रिवेणी संगम, जैसे बताया गया ना इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, वो सब बताया गया। तो उनका उद्देश्य ये है कि वो तीनों नाड़ी आके यहां मिलती हैं, दो नाड़ी, तीसरी वो बड़ी, तीसरी मेन है सुषुम्ना। वो दोनों तो आम आदमी जो साधक बहुत तीव्र भक्ति करता है, आम आदमी नहीं, जो तीव्र भक्ति करता है तो उनका भी वो महसूस होने लगता है उनको भी। तो जब वो चलती है और जो बीच में सुषुम्ना सोई हुई है, वो गुरु कृपा से अगर जरा सा भी हरकत कर दे, केवल वो जरा सी भी अगर मूलाधार में हरकत कर दे, तो वो एकदम मूलाधार चक्र में बहुत सारी अनुभूति दे देता है, और मूलाधार चक्र में ही सिद्धियां रहता है। तो मूलाधार जैसे आप करेंगे, और आपको मान लो बाई चांस आपके गुरुदेव की कृपा हो गई, आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो गया, तो मूलाधार चक्र में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा आपको किस चीज की जरूरत है, और आपको पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर प्रकट होके कोई पूछेगा कि सामने तेरे को क्या इच्छा है ना, वो मंत्र वाली वो साधना अलग है, ये अंदर वाली साधना जो भी होगा, आप अंदर जो साधना करते हैं वो सब कुछ आपके अंदर ही की अनुभूति होंगी। तो आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने तो मना कर दिया था, बोला आपको कभी भी सिद्धि के बारे में कुछ आए तो आप मना कर देना। सिद्धि क्या है, व्यक्ति को मिल जाता है, मान लो मूलाधार चक्र में पूछा आपने, कहा मेरे को ये चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा, स्पष्ट आपको कान में आवाज, उसकी कान में आवाज सुनाई, आप ध्यान में बैठे आपको आवाज आई और आपको कान में आवाज सुनाई देगा, आपको भी आश्चर्य होगा यार, कान में कोई और नहीं बोलता है, पता क्या है हमको ऐसा अनुमान लगा, जैसे कि आप जब एकांत में रहते हैं तो किससे बात करते हैं, अपने आप से ही, मतलब अपने मन से बात करते हैं ना, तो वो जो मन है वो कोई और नहीं है, मनी मिलावे राम से मनी करे फजीत, मन अंदर जाएगा तो आपका कल्याण करेगा, मन बाहर जा रहा है तो ये भटका रहा है। हम नहीं चलते हैं, हमारा मन ही जिधर चलाता है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, मन ऐसा कर रहा है, मन वैसा कर रहा है, तो मनी से ये दुनिया ज्यादातर मन से चलती है, मन को कंट्रोल करना मतलब अंदर, तो ये मन भी सिद्धि दिलाने वाला है,
जब ये अंदर में आप प्रवेश कर जाओगे तो ये बात कोई और नहीं करता, ये मन ही आपसे बात करता है, ये मन ही सारा आपने बहुत अच्छा किया तो वो मन ही